stage for the next performance. Ladies and gentlemen, bring it on for Kushagra. बहुत बहुत धन्यवाद मैं कुमार विश्वास आपका सबका स्वागत करता हूं और आप सबकी पावन उपस्थिति का स्वागत करता हूं बहुत धन्यवाद थैंक यू वेरी मच आज का सुहाना दिन और आपकी फेवरेट कविता लेकर आया हूं अगर आप तक पहुंच जाए तो सूचित कीजिएगा ये कविता जो लिखी है मैंने ये हमारी एसएपी के आसपास ही घूमती है तो ये आपको काफी टच करेगी तो अगर आप तक पहुंच जाए तो सूचित कीजिएगा कविता शुरू करता हूं इसका वॉल्यूम बढ़ा दो भाई मेरा कम है तो शुरू करता हूं कविता कोई न्यू जॉइनी कहता है कोई ट्रेनी समझता है मैं समझ गया कि तुम हो मस्ती की पंक्तियां है मस्ती के साथ सुनिएगा ये जो कविता है ये फ्रेशर की जर्नी को बताती है तो एज अ फ्रेशर क्या होता है ये इसमें समाहित है कि कोई न्यू जॉइनी कहता है कोई ट्रेनी समझता है मगर फ्रेशर की बेचैनी को बस फ्रेशर समझता है यहां बैठे हुए फ्रेशरों की दाद चाहूंगा इसके ऊपर मगर फ्रेशर की बेचैनी को बस फ्रेशर समझता है अगली दो पंक्ति अच्छा आप यहां हैं मैं तो आपको ऑन साइट पर ढूंढ रहा था तुम्हें तो बेटा मैं प्रोडक्शन में ले जाके फाड़ूंगा ठीक है खैर अब अगली जो पंक्तियां हैं वो सैलरी से रिलेटेड है सैलरी से कहता है एम्प्लॉय मैं तुझसे दूर कैसा हूं तू मुझसे दूर कैसी है ये तेरा दिल समझता है या मेरा बिल समझता है ये तेरा दिल मैं समझ रहा हूं बात आप तक पहुंच चुकी है मैं एसएपी का सर्टिफिकेशन करने गया था हैदराबाद बीच में ही छोड़ के भाग आया क्योंकि मैंने सोचा इट्स बेटर टू बी अ गुड पोएट देन अ बैड कंसल्टेंट और अब तो मैं खुद का भविष्य बिगाड़ रहा हूं तब तो मेरे प्रोजेक्ट का बिगाड़ रहा होता तो अगली पंक्तियां पढ़ता हूं मस्ती की पंक्तियां हैं मस्ती के साथ सुनिएगा ऑन साइड के लालच को टच करती हैं अगली पंक्तियां के इशू कोई ऑन साइड पर बिगड़ बैठा तो हंगामा हमारी क्यू में कोई सेव टू फंस बैठा तो हंगामा अब दो पंक्ति सुनिएगा दिल तक पहुंच जाए तो बताइएगा अभी तक डूब के बुनते थे जो सपना ऑन साइट का मैं सपने को हकीकत में बदल बैठा तो हंगामा मैं सपने को अक्सर हम में से अगर कोई ऑन साइट चले जाता है तो बाकी सबकियों की यह रिएक्शन हो सकती है खैर ठीक है अगली पंक्तियां पढ़ता हूं आपको पता होगा हम लोग टिकट्स बहुत सॉल्व करते हैं एज ए कंसल्टेंट कभी कभी तो एक दिन में हम लोग इतने टिकट देखते हैं जितना तो हरियाणा रोडवेज का कंडक्टर भी नहीं देखता अगली पंक्तियां पढ़ता हूं आपके सामने के परफॉर्मेंस के चरम पे तू कभी भी जा नहीं सकता अब एक फ्रस्ट्रेटेड एम्प्लॉय आके अपने मैनेजर से कहता है कि मुझे अच्छा अप्रेजल नहीं मिला तो मैनेजर उसे क्या कहता है मेरे एक दोस्त की कथा है किसी और कंपनी में है तो उसका मैनेजर उससे कहता है परफॉर्मेंस के चरम पे तू कभी भी जा नहीं सकता के अप्रेजल बजट में इससे ज्यादा मिल नहीं सकता अगर स्विच करना है तुझको तो आजादी है जा कर ले और अब खुददार मैनेजरों की तालियां लहरती दिखाई दे अगर स्विच करना है तुझको तो आजादी है जा कर ले जो मुझको मिल नहीं पाया वो तुझको मिल नहीं सकता ये तालियां बता रही हैं कि बात पहुंच चुकी है अब तक आखिरी की पंक्तियां पढ़ना चाहूंगा परफॉर्मेंस एक ऐसी चीज होती है जो ईश्वर की तरह होती है होता है मगर दिखता नहीं है तब पंक्तियां पढ़ना चाहूंगा आखिरी सुनिएगा कैसे पी है ये आरा न कोई ये कहानी है के वर्क ऑर्डर है दो करना
और टेस्टिंग स्क्रिप्ट बनानी है के अब चलते हैं हम यारा, हमारी सीट खाली है, डिलीवरी डेट है माथे पर, हमें ना गाली खानी है। बहुत धन्यवाद, धन्यवाद। अगली बार अगर कैटलिस्ट में आएंगे तो आपसे जरूर मिलूंगा। बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।